गोपंड का हिलना देख रही हो, ये देख रही हो ना। अकेले अपने बस की बात तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भाई डरावना लग रहा है यहाँ, और भूतों का साया है ऐसा मुझे मतलब महसूस हो रहा है। और अकेले आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये आप देखें किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है, सीढ़ियाँ कितनी छोटी छोटी हैं, गंदगी है इन पर। अभी आप देखें ये अंदर से इस तरह का नज़र आता है, ठीक है, आप देखें ऊपर की तरफ ये इस तरह, और ये पूरा ऐसे दिखेगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये इधर से ना मतलब जीना है। इधर से ये जीना बंद कर रखा है और सामने से ऐसा नज़र आता है, है तो बहुत खूबसूरत, उसके साथ साथ काफ़ी डरावना भी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भूत प्रेत का कुछ इशू है, जाहिर सी बात है जब कोई नहीं रहता कहीं पर तो हो जाता है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, ये दूसरी तरफ का जीना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और काफ़ी मतलब पतला सा है, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। और अभी आप देखें अंधेरा हो रहा है। गाइस आप देख सकते हैं हम आ गए हैं छत पर, और यहाँ से ये नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके पास जाने से ना मना किया हुआ है कि पास में नहीं जाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। असल में मुझे ना मेरा सांस अजीब सा हो गया, फूल गया, जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही पतली पतली हैं और मुश्किल हो रहा है आने में ना, ऊंची हैं, मतलब पतली भी हैं और ऊंची भी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे कुआं भी है आप देख सकते हैं इस तरह, और यहाँ पे जाल बना कर रखा है ताकि कोई इसके अंदर गिर ना जाए, ठीक है। ऊपर से मैं दिखाती हूँ, इस तरह का नज़र आता है, ये देखें आप, ऐसे दिखती है पूरी राजाओं की बावली है, बड़ी खूबसूरत, पर उसके साथ साथ बार बार बोल रही हूँ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, इस तरह दिखा रही हूँ, कुएं के अंदर जाना नहीं है। कितनी ज़्यादा गंदगी और प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं, और इसका ना बावली का, राजाओं की बावली का सेकेंड पार्ट भी आएगा। कितनी आंधी चल रही है, और पीछे मेरे बिल्कुल घना जंगल है आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ अभी आपको इस तरह से ना, और ऐसा लग रहा है हाथ से जो हमारा मोबाइल है वो गिर जाएगा। अभी आप देखें, आप मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ कितना गहरा और घना जंगल है ये, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फैमिली के साथ आना ही पॉसिबल है, अकेले आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग अकेले आ जाएंगे या कुछ ऐसा, तो बिल्कुल नहीं आइएगा। मैं आप लोगों को कभी भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप यहाँ पे ऐसी हॉन्टेड जगह अकेले आए, ये अकेले आने का बिल्कुल भी मतलब सही फैसला नहीं है। या तो आप फ्रेंड्स के साथ आएँ या फिर मतलब फैमिली के साथ आएँ, मेन मकसद ये है, अकेले बिल्कुल नहीं आइएगा। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर आने के बाद जो भी मैं जज कर पाई हूँ वो यही कर पाई हूँ कि अकेले सेफ नहीं है, मतलब हॉन्टेड तो है ही, स्नेचर्स बहुत हैं जो मतलब वो सब चीज़ें अकेला मतलब पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, और लड़कों के लिए भी पॉसिबल नहीं है अकेले आना। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये छोटे छोटे कीड़े भी बहुत हो रहे हैं यहाँ पे ना।